हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड की शिक्षा जगत की आज की न्यू अपडेट के बारे में। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं वह मंडल परिवर्तन पर भी। यहाँ पर जो है शिक्षकों की वरिष्ठता रही बरकरार। तो यहाँ पर जो है शिक्षक संघ की मांग है, अगर मंडल परिवर्तन करते हैं तो यहाँ पर जो है शिक्षक की जो यहाँ पर वरिष्ठता है वो बरकरार रहनी चाहिए। इस तरह से यहाँ पर मांग से लिखी है। रुद्राज की शिक्षक संघ ने यहाँ पर जो है LT संवर्ग में जो है यहाँ पर नियुक्ति शिक्षकों का जो है मंडल परिवर्तन होने पर वरिष्ठता जो है समाप्त ना होने, इसके लिए जो है यहाँ पर UP की तर्ज पर जो है प्रशिक्षित LT सेवा नियमावली 2014 में जो है संशोधन की यहाँ पर मांग उठाई है। तो यूपी की तर्ज पर जो यहाँ पर होने की मांग की है। और वही बात करें यहाँ पर सरकारी स्कूलों में जो है बढ़ रही छात्रों की संख्या, तो सरकारी स्कूलों जो है छात्रों की संख्या बढ़ रही है। और यहाँ पर कोरोना काल में जो है वह छाई आर्थिक मंदी से लोग जो है अब तक नहीं उबर पाए हैं। और सरकारी स्कूल में जो है इस साल जो है बड़ी छात्र संख्या, इसकी जो है यहाँ पर तस्दीक जो है कर रही है। और नौकरी जाने या व्यापार में मंदी की वजह से यहाँ पर प्राइवेट स्कूलों की मोटी फीस भरने में जो है असमर्थ लोग जो है अब अपने स्कूलों अपने बच्चों का जो है यहाँ पर सरकारी स्कूलों में जो है दाखिल करा रहे हैं। तो इसमें आप लोग देखते हैं, ये आंकड़े हैं प्राथमिक स्कूल के 2019 2020 2021 में लगभग जो है प्राथमिक स्कूल में जो है 2700 के समथिंग यहाँ पर छात्र थे। टिहरी जिले की सरकारी स्कूल की बात चल रही है। और 2020 में यहाँ पर जो 2600 के करीब रहे थे, उसके बाद 2021 में अब 2800 से ज़्यादा हो गए हैं। और वहीं यहाँ पर उच्च प्राथमिक स्कूल में भी यहाँ पर 2019 में 2200 के करीब थे, फिर 2100 के करीब थे 2020 में, और अब यहाँ पर बढ़कर 2100 से ज़्यादा यहाँ पर हो चुके हैं। और वहीं बात करें यहाँ पर राजकीय शिक्षक संघ में जो है यहाँ पर चुनाव पर छिड़ी रार। तो यहाँ पर जो है राजकीय शिक्षक संघ की जो है चुनाव प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। और शिक्षा निदेशक सीमा जनसा ने जो है प्रदेश अध्यक्ष कमल किशोर डिमरी के अनुरोध के बाद जो है यहाँ पर संघ के चुनाव की जो है बाबत स्पष्ट जो है प्रस्ताव देने के निर्देश दिए हैं। और इस बीच जो चुनाव का जो है लेकर संघ अध्यक्ष जो कि डिमरी हैं और यहाँ पर महामंत्री सोहन सिंह माजला की भी जो है जंग की शुरुआत हो गई है। और वहीं बात करें यहाँ पर MBBS छात्र और यहाँ पर बेरोजगार फार्मासिस्ट भूख हड़ताल करेंगे। तो यहाँ पर देखते हैं कि जो MBBS छात्र हैं के साथ जो है बेरोजगार फार्मासिस्ट के जो है अपनी अपनी जो है मांग पूरी नहीं होने पर जो है सरकार को जो यहाँ पर सरकार को भूख हड़ताल की चेतावनी दे रखी है। और उन्होंने कहा कि 15 सितंबर को जो है यदि उनके मामले पर जो यहाँ पर कैबिनेट में बैठक में जो है सामने नहीं आएगा तो यहाँ पर जो है आंदोलन में तेजी कर देंगे। तो वहीं बात करें यहाँ पर उत्तराखंड अधीनस्थ सर्वोच्च न्यायालय की ऑनलाइन परीक्षा को लेकर जो यहाँ पर बवाल चल रखा था, उसको लेकर जो यहाँ पर यूके त्रिपाठी ने कहा कि अब जो है यहाँ पर जो परीक्षा को जो है बदनाम करने वाले हैं उनके खिलाफ जो है अब कार्रवाई की जाएगी। और कहा है इनके द्वारा कि परीक्षा कराने वाली एजेंसी को लेकर पिछले दिनों में जो सोशल मीडिया पर वायरल हुई सूचनाओं पर जो है अधीनस्थ सर्वोच्च आयोग के अध्यक्ष S राजू ने यहाँ पर जो उम्मीदवारों के नाम जो है खुला पत्र जो है जारी किया है। और उन्होंने कहा कि सभी भर्तियां जो है पूरी पारदर्शिता के साथ जो यहाँ पर हो रही हैं, और ऐसे में जो यहाँ पर जो भी अफवाह फैलाएगा उसके खिलाफ यहाँ पर आयोग सख्त कार्रवाई यहाँ पर करेगा। तो यहाँ पर जो है सख्त कार्रवाई करेगा क्योंकि अफवाह फैलाई जा रही है। और वहीं आयोग के अध्यक्ष S राजू ने कहा कि आज जो है केंद्र में 100% भर्तियाँ जो है ऑनलाइन पैटर्न पर हो रही हैं, जबकि राज्य में जो है इनकी संख्या 50% है ऐसा यहाँ पर कहा गया है। तो यहाँ पर अधिकतर जो है ऑनलाइन हो रखा है, लेकिन राज्य में 50% हो रखा है। उन्होंने कहा कि यहाँ पर जिस एजेंसी के माध्यम से यहाँ पर जो है उत्तराखंड में ऑनलाइन भर्ती परीक्षाएं कराई जा रही है वो जो है कहीं भी ब्लैक लिस्टेड नहीं है। तो आयोग का कहना यह है कोई भी ब्लैक लिस्टेड नहीं है, जबकि यहाँ पर आरोप लगाया गया था ब्लैक लिस्टेड है। और यहाँ पर कुछ उम्मीदवारों को किसी से यहाँ पर जो है वर्गराया तो वह इस एजेंसी के खिलाफ जो है हाईकोर्ट चले गए, तो हाईकोर्ट भी चले गए, लेकिन हाईकोर्ट ने उसकी याचिका खारिज कर दी। तो यहाँ पर हाईकोर्ट में जो उनकी याचिका भी खारिज कर दी है। और उन्होंने कहा कि ऑनलाइन पैटर्न पर जो है परीक्षा कराने में जो है पेपर लीक होने की आशंका जो है न्यूनतम है, और प्रश्न पत्र केवल तभी लीक हो सकता है जब कंपनी का जो है सेंट्रल सर्वर जो हैक हो जाए। तो जब हैक होता है तभी यहाँ पर धांधली होती है, अन्यथा परीक्षा में कोई धांधली नहीं हो रही, आयोग ने यहाँ पर बताया हुआ है। और यहाँ बात करें तो RT फीस वृद्धि पर जो है 2 महीने में जो है लय निर्णय। तो यहाँ हाईकोर्ट ने यहाँ पर जो है राज्य के निजी स्कूलों में जो है शिक्षा का अधिकार यानी कि RT के तहत जो है पढ़ रहे गरीब बच्चों की फीस बढ़ाने की मांग के मामले में जो है राज्य सरकार को यहाँ पर आदेश मिले हैं, वह जो है 2 माह के भीतर जो है इसका निर्णय लेगा ऐसा यहाँ पर बताया गया है। तो वहीं बात करें यहाँ पर 6 बेरोजगारों ने यहाँ पर जो है 5 साल बाद जीती इंसाफ की जंग। तो यहाँ पर देख सकते हैं 2016 में जो है बेसिक की भर्ती यहाँ पर 1156 पदों पर भर्ती निकाली गई थी, और उस भर्ती में जो है दिव्यांग कोटे के बैकलॉग को जो है शामिल करने की मांग न माने जाने पर जो है विवेक नैनवाल और तारा दत्त जोशी रघुवीर सिंह और इनके नाम हम लिखे गए हैं, इन्होंने जो यहाँ पर सिंगल बेंच में जो है केस दायर कर दिया। और हाईकोर्ट ने जो है 8 दिसंबर 2016 को जो है बेरोजगारों के हक पर जो है फैसला लिया।
क्योंकि यहाँ पर इन्होंने केस किया था, बैकलॉग की बात जो है शामिल नहीं की थी, इसको लेकर कहा गया था। और इसके खिलाफ जो यहाँ पर शिक्षा विभाग ने जो है डबल बेंच पर जो है अपील की, तो वो भी अब यहाँ पर 29 अक्टूबर 2018 को जो है खारिज हो गया। और इसके बाद जो यहाँ पर शिक्षा विभाग से यहाँ पर जो है जो SLP दायर थी उसे जो है सुप्रीम कोर्ट में भी यहाँ पर जो है निरस्त कर दिया अप्रैल 2021 में। तो इस वजह से अब जो है इन शिक्षकों की भर्ती की यहाँ पर अभियान चलाया जाएगा, और अब जो है यहाँ पर चलेगा भर्ती का अभियान। तो सुप्रीम कोर्ट से यहाँ पर भी हारने के बाद 8 सितंबर को जो है बेसिक शिक्षा निर्देशक आर के उनियाल ने इस मामले की जो है पुनः समीक्षा की, और उन्होंने कहा कि यहाँ पर हाईकोर्ट के 8 दिसंबर 2016 के आदेश के अनुसार जो है भर्ती प्रक्रिया यहाँ पर शुरू की जाएगी। तो अब इनकी भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी और सभी DO बेसिक विशेष जो है भर्ती अभियान चलाते हुए जो है रिक्त पदों पर भर्ती करेंगे। तो रिक्त पदों पर जो है अब भर्ती यहाँ पर करेंगे, इसके लिए जो है विशेष अभियान यहाँ पर चलाया जाएगा। तो 5 साल बाद जो है यहाँ पर शिक्षा विभाग में जो है लड़ रहे जो दिव्यांग बेरोजगार हैं उनका संघर्ष रंग लाई है, और अब जाकर जो है शिक्षा विभाग को जो है सहायक अध्यापक के दिव्यांग कोटे का जो है बैकलॉग भरने को यहाँ पर जो है मजबूर होना पड़ा है। तो अब दिव्यांग कोटे में जो बैकलॉग के पद होंगे उनको भरे जाएंगे, और करीबन जो है कोटे के करीब जो है 200 पद यहाँ पर खाली हैं, और इन पदों पर जो है यहाँ पर अब भर्ती अभियान चलाया जाएगा। यानी कि अब जो है यहाँ पर इन पदों पर भर्ती यहाँ पर हो जाएगी इनकी, जिन लोगों ने यहाँ पर केसेस किया था पहले, क्योंकि 2016 में यहाँ पर भर्ती आई थी लेकिन दिव्यांग कोटे में जो है इनको राहत नहीं मिली, तो इस वजह से इन्होंने केस दायर किया। तो वही बात करें यहाँ पर वेतन विसंगति समिति के सामने रखा पक्ष, तो यहाँ पर जूनियर हाईस्कूल शिक्षक संघ ने जो है विभाग में लंबे समय से चली आ रही जो वेतन विसंगति है दूर करने को लेकर जो है इन्होंने जो है वेतन विसंगति समिति के सामने जो है अपना पक्ष रखा है। और उनका कहना यह है कि जनवरी 2006 के बाद जो है यहाँ पर चयन वेतन में पाए गए शिक्षकों को जो है मूल शासनादेश में जो है विकल्प दिया जा रहा था, और इसके आधार पर जो है वेतन दिया जाएगा ऐसा यहाँ पर कहा था। लेकिन विभाग की ओर से जो है ना तो यहाँ पर विकल्प दिया गए हैं ना ही यहाँ पर भरवाए गए हैं ऐसा यहाँ पर बताया गया है। और वहीं बात करें यहाँ पर BRTT प्रशिक्षित जो है बेरोजगार भड़के, तो यहाँ पर जो है राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षण संस्थान की जो NIS से डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन NIS डाइट वालों के कोर्स करने वाले जो शिक्षक भर्ती में जो है शामिल किए जाने को लेकर जो है यहाँ पर BRTT जो प्रशिक्षित बेरोजगार हैं उन्होंने यहाँ पर नाराजगी जता रखी है। और बेरोजगारों का कहना है कि ऐसा हुआ तो यहाँ पर इसके विरोध में जो है आंदोलन शुरू किया जाएगा। और उधर जो है शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे का कहना ये है कि नियमावली वो कोर्ट के आदेश का पालन कराते हुए जो है अधिकारियों को जो है शीघ्र जो शिक्षकों की भर्ती है उसके आदेश दिए गए हैं, और प्रदेश में जो है बेसिक शिक्षक स्कूलों के जो है शिक्षकों की 2600 से अधिक पदों पर जो है भर्ती होनी है। तो वही बात करें यहाँ पर क्लास 5th जो स्कूल हैं वो अब खुल सकते हैं, इसको लेकर जो है यहाँ पर कैबिनेट में फैसला होगा। और यहाँ पर कहा गया है कि प्रदेश में जो है प्राइवेट स्कूल खुलने को लेकर जो है 15 सितंबर की जो कैबिनेट बैठक होगी उसमें जो है निर्णय ले सकते हैं, और इसको लेकर जो है शिक्षा विभाग इस बाबत पर जो है वहाँ पर कैबिनेट में प्रस्ताव लाने जा रही है। तो यहाँ पर जो है प्रस्ताव लाएगा और इसके लिए 15 सितंबर को कन्फर्म हो जाएगा। और वही बात करें यहाँ पर फौज गार्ड भर्ती में जो है दस्तावेज सत्यापन जो होगा 28 से होगा, तो फौज गार्ड भर्ती के जो आपकी निकली हुई थी उसके प्रमाण पत्र की जो आपकी सत्यापन है वो 28 सितंबर से शुरू होगी। और अधीन सेवा चयन आयोग ने जो है इसकी सूचना जारी कर दी है, और आयोग के सचिव सत्तर गोड़ ने बताया कि फौज गार्ड के तहत जो है 26 सितंबर से लेकर 11 अक्टूबर तक जो है अभी सत्यापन होंगे, और दूसरी ओर जो है कनिष्क अभियंता सिविल और प्रश्न प्रचार अधिकारी अधीनस्थ प्रदर्शक और रजिस्ट्रेशन निरीक्षक की जो है दूसरी जो लिस्ट है वो जारी कर दी गई है। तो इसके लिए जो है यहाँ पर 30 सितंबर तक जो है के सत्यापन होने हैं। और वहीं बात करें यहाँ पर लगातार उत्तराखंड में जो है लगातार भर्ती आपको देखने को मिल रही है, तो ऐसे में जो है यहाँ पर UKPSC में जो अध्यासन आए हुए थे उसका जो है भर्ती निकाल दी गई है। और यहाँ पर जो भर्ती निकली गई है वो आपका यहाँ पर तो समूह ख परीक्षा 2021 में जो है खान निरीक्षक है, यहाँ पर मानचित्राकार सर्वेयर और प्राविधिक सहायक रसायन का है, प्राविधिक सहायक भू भौतिकी है और प्राविधिक सहायक भू विज्ञान का है और पुस्तकालय अध्यक्ष का है। तो इनके लिए जो है 26 पदों पर भर्ती निकाली गई है और 11 सितंबर से आवेदन कर सकते हैं ऑनलाइन। तो वहीं बात करें यहाँ पर उत्तराखंड में जो है सहायक अध्यापक प्राथमिक के रिक्त पदों को भरे जाने के संबंध में, तो यहाँ पर जो रिक्त पद है उनको भरे जाने के संबंध में जो है यहाँ पर लिस्ट जारी करने के लिए कहा है। तो यहाँ पर जो है जितने भी यहाँ पर रिक्त पद होंगे उन सूचना की मिलान करते हुए जो है पूर्व में दिए गए जो निर्धारित प्रारूप है उस पर जो है अनिवार्य रूप से 3 दिन के अंदर जो है हार्ड व जो है सॉफ्ट कॉपी जो है अधो हस्ताक्षर जो है कार्यालय पर जो उपलब्ध कराए हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि जो शिक्षा अधिकारी हैं जिले के उन्होंने जो है यहाँ पर समस्त उप शिक्षा अधिकारी को जो है निर्देश जारी कर रखे हैं कि जितने भी पद यहाँ पर बनते हैं उन सभी की जो है 3 दिन में जो है उपलब्ध रिपोर्ट करने की मांग कर रखी है। तो उसके हिसाब से जो यहाँ पर रिक्त पदों पर भर्ती करी जाएगी।